हमारे विधायक है, रामगढ़ की जनता ने प्यार और समर्थन देके कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने का काम किया था। स्वाभाविक तौर पे कुछ परिस्थितियां बदली, विधायिका की सदस्यता समाप्त हो गई, लेकिन हम रामगढ़ में पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन के लोगों का भी सहयोग और समर्थन हमें प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी पूरे जमीनी स्तर से रामगढ़ में पुनः चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कई बार प्रखंडों में, जिलों में बैठकें का भी दौर शुरू हो चुका है, बूथ कमेटी का निर्माण हो रहा है, तो हमें लगता है कि जनता का झुकाव रामगढ़ में कांग्रेस के प्रति है। चूँकि इसलिए भी है कि रामगढ़ में जिस प्रकार आसू ने रामगढ़ की जनता को अपने शासनकाल में ठगने का और छलने का काम किया, लेकिन कांग्रेस की जब वहाँ जीत हुई तो हमारी विधायक ने पूरी तन्मयता के साथ रामगढ़ के विकास को एक अंजाम तक पहुँचाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं रामगढ़ की जनता इस बात को बखूबी समझती है और जानती है। इसलिए हमें यह पूरा भरोसा और विश्वास है कि रामगढ़ की जनता एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास और भरोसा करेगी। नहीं, ये कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हमने जनता को छलने का, ठगने का, जनता को षड्यंत्र का करने का हम लोगों ने काम नहीं किया है, इसलिए कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हम जनता के सुख दुख में बराबर के सहभागी लगातार बने हुए हैं, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस हमें इसलिए है कि राज्य की जनता ने भरोसा किया है और उन भरोसों पर हम लोग सही उतर रहे हैं। जो राज्य की जनता की अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं को हम लोगों अंजाम तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस है कि जनता का प्यार और जनता का समर्थन हमें पुनः प्राप्त होगा। नहीं, मुझे ये नहीं लगता। आप देखें कि पिछली सरकारों में जिस प्रकार इस राज्य में रोज कभी कर्मचारी तो कभी युवा, कभी पारा शिक्षक, कभी कोई धरना दिया करते थे, आज वो परंपरा एक साल के दरमियान आप देखें तो कम हो गई है। ये सही है कि कम तो हुई है, इसलिए कम हुई है कि ये कमी हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करता है कि हम पूरी संजीदगी के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निष्पादन कर रहे हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन में कमी आ रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।